नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे JBT भर्ती की। लंबे समय के बाद प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने JBT की बैच वाइज भर्ती को भी क्लियरेंस दे दी है। डिप्टी डायरेक्टर मंडी की तरफ से पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निदेशक ने इन भर्तियों के लिए जिन पदों की काउंसलिंग हो चुकी है उनका रिजल्ट 30 सितंबर से पहले घोषित करने की डेडलाइन जिलों को दे दी है, ताकि चुनाव आचार संहिता से पहले शिक्षकों की ज्वाइनिंग हो जाए। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी पत्र में ये भी साफ किया गया है कि JBT बैच वाइज में भी उन्हीं BA, BSc, BEd को नौकरी दी जाए जिनके पास JBT का टेट होगा। प्रदेश भर में कुल 474 पदों पर ये भर्ती होनी है। डिप्टी डायरेक्टर मंडी ने जिन दो बिंदुओं पर क्लेरिफिकेशन मांगी थी उसमें पहला बिंदु BEd अभ्यर्थियों को लेकर था और दूसरा एक्स सर्विसमैन को लेकर। एक्स सर्विसमैन के मामले में प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने कहा है कि इनकी मेरिट 22 सितंबर 2017 के भर्ती नियमों के अनुसार बनाई जाए। ये पत्र बेशक डिप्टी डायरेक्टर मंडी को जारी हुआ है, लेकिन इसकी कॉपी सभी जिले के उपनिदेशकों को दी गई है। इसका अर्थ ये है कि अब महाअधिवक्ता की ओर से राय जानने का इंतजार नहीं किया जाएगा। संभव है कि राज्य सरकार के इस बारे में पहले बात हो गई हो। बैच वाइज भर्तियों के साथ कमीशन की भर्तियों के लिए भी प्रक्रिया शुरू हो गई है। कांगड़ा जिले ने अपने यहाँ इसके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कमेटी घोषित कर दी है। कांगड़ा में कमीशन के जरिए 62 पद JBT कमीशन से भरे जा रहे हैं। बाकी जिले भी इसी प्रकार ये प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। शिमला जिले में JBT भर्ती के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें 5 सदस्यों को शामिल किया गया है। JBT भर्ती पे कोई भी अपडेट आते ही मैं अपने YouTube चैनल पे अपडेट कर दूंगा। धन्यवाद।